कपिल सिब्बल ये नाम कोई गुमनाम चेहरा नहीं है। मूल रूप से पंजाब के जालंधर के रहने वाले कपिल सिब्बल की कर्मभूमि दिल्ली रही है। दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद रहे, मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार से बगावत करने वाले कपिल सिब्बल हाथ छोड़कर साइकिल चलाने निकल पड़े। राज्यसभा में सिब्बल कांग्रेस के हाथ के सिंबल पर नहीं, समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल पर जा रहे। नॉमिनेशन उन्होंने 25 मई 2022 को कर दिया। ये हम देखिए, हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित कपिल सिब्बल 1989 और 1990 के बीच भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। कोर्ट में दलीलों से विरोधियों को मात देने वाले वकील कपिल सिब्बल को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव राजनीति में लेकर आए, लेकिन 1996 में राजनीति की कोर्ट में सिब्बल पहला ही केस भाजपा की सुषमा स्वराज से हार गए। लेकिन सिब्बल भी हारने वालों में से थे नहीं। 2004 में फिर किस्मत आजमाया। सीट थी दिल्ली की चांदनी चौक। विरोध में थी वो स्मृति ईरानी जो 2019 में राहुल गांधी को पछाड़ चुकी है। सिब्बल ने वो सीट बड़े अंतर से जीती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सिब्बल ने जीत दोहरा दी, लेकिन 2014 की मोदी लहर में ना सिब्बल टिके ना उनकी सीट, लेकिन राज्यसभा में सिब्बल की सीट बनी रही। कांग्रेस के खिलाफ विरोधी तेवर, विशेष तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ उनकी बगावत सुर्खियां बटोरती रही। राज्यसभा के लिए कांग्रेस शायद ही रिन्यूअल करती। खैर, अखिलेश यादव को अच्छे वकील की जरूरत थी, लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। विवादों से घिरे राजनीतिक जीवन में कपिल सिब्बल आक्रामक कमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। राम मंदिर के फैसले पर भी सिब्बल ने कहा था कि इनका फैसला लोकसभा चुनाव तक नहीं आए, लेकिन इस तल्खी के बीच कपिल सिब्बल का एक सॉफ्ट चेहरा भी है। वे गीतकार भी है। शोरगुल फिल्म के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं, बंदूक फिल्म में भी उनका गाना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइट टू लाइव को सब्सक्राइब कर लें।